देश में चुनाव कराने वाली सबसे बड़ी संस्था केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव आयुक्तों को लेकर एक महत्वपूर्ण पिटीशन आई है। देश के चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, 1 मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त। आम चुनाव सर पर हैं, लेकिन आज की तारीख में स्थिति यह है कि सिर्फ 1 यानी सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त ही अपने पद पर है, बाकी दोनों चुनाव आयुक्त के पद खाली हो गए हैं। एक ने 14 फरवरी को चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के रिटायर होने के बाद एक पोजीशन खाली हुई और दूसरा पद 9 मार्च को यानी परसों के दिन चुनाव आयोग के पद से अरुण गोयल साहब के इस्तीफे के बाद ये वैकेंसी निकल आई। चुनाव आयुक्त के इन 2 पदों पर 15 मार्च को नियुक्ति होने की अब संभावना है। 14-15 मार्च में इसका महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री खुद चेयर कर सकते हैं। नियुक्ति से पहले केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में एक खोज समिति बनाई गई है, सर्च कमेटी। खोज समिति में कानून मंत्री के अलावा गृह विभाग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव शामिल किए गए हैं। ये समिति चुनाव आयुक्त के दोनों ही पदों के लिए 5-5 नामों के 2 अलग अलग पैनल तैयार करेगी। खोज समिति द्वारा तैयार पैनल पर विचार के लिए 13 या 14 मार्च को चयन समिति की बैठक होगी। चयन समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा एक केंद्रीय मंत्री जो कि खुद अर्जुन राम मेघवाल हैं इस केस में, और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी साहब शामिल होंगे। चयन समिति जिसका चुनाव करेगी, राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति का आदेश जारी कर देंगे। लेकिन विपक्ष को आशंका है कि चयन समिति में सरकार का बहुमत होने के कारण नियुक्ति निष्पक्ष नहीं हो पाएगी। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में आज एक याचिका दाखिल कर सरकार को नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से रोकने की मांग करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की है। याचिका में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े केंद्र सरकार के कानून को चुनौती दी गई है और मांग की गई है कि नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के मुताबिक हों। आपको बता दें कि 2 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने चुनाव आयोग के कामकाज में पारदर्शिता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता लाने के लिए आदेश दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और लोकसभा में विपक्ष के नेता की 3 सदस्यों की कमेटी करेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को समान संरक्षण प्राप्त होगा और हटाने की प्रक्रिया भी समान ही होगी, यानी ये तीनों महाअभियोग से ही हटाए जा सकेंगे। आदेश में कई और खास बातें भी थी और ये भी कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश इस मामले में संसद द्वारा कानून बनाने तक लागू रहेगा। तब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में निष्पक्षता की मांग करने वाले सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का तहे दिल से स्वागत किया था। लेकिन इसके बाद पिछले साल दिसंबर में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मोदी सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा जो कानून पास कराया, उस पर काफी सवाल खड़े हो गए। संसद में पास कानून के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जो चयन समिति होगी, उसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट के एक मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता या विपक्ष में सबसे बड़े दल के नेता शामिल किए गए हैं, यानी 3 में से 2 सदस्य ऐसे होंगे जो सरकार के नुमाइंदे होंगे। विपक्ष ने इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए इसका विरोध किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चयन समिति में न रखने से नियुक्ति निष्पक्ष नहीं हो पाएगी, क्योंकि चयन समिति में अब सरकार का बहुमत हो जाएगा। इस कानून को तब से सुप्रीम कोर्ट में लगातार चुनौती दी जा रही है। इसी सिलसिले में एक और याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR ने भी याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान ADR की ओर से प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि नए कानून पर रोक लगाई जानी चाहिए। हाल ही में एक चुनाव आयुक्त रिटायर होने वाले हैं, उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। अगर कानून पर रोक नहीं लगाई गई तो याचिका निष्प्रभावी हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि इस तरह कानून पर रोक नहीं लगा सकते और इस मामले को अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया। हमने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर किया था कि सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन एक होगा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति एक पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, उसके अंतर्गत होगी।
तो पार्लियामेंट ने वो लॉ नहीं बनाया था पिछले 75 साल से, और सरकार अपनी मर्जी से वो अपॉइंटमेंट कर रही थी। तो हमने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा था कि आप सरकार को कहिए कि वो कानून बनाए, पार्लियामेंट बनाए वो कानून। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट को वो कानून बनाना चाहिए, और ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त हों वो सरकार के इन्फ्लुएंस से बाहर रह के काम करें, इंडिपेंडेंटली काम करें। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बनाती है, हमारी ये सलाह है कि आप एक 3 मेंबर की कमेटी रखिए जिसमें प्रधानमंत्री हों और विपक्ष के नेता हों लोकसभा में और मुख्य न्यायाधीश हों। तो ये काम चल रहा था, लेकिन पार्लियामेंट ने अपनी समझ के मुताबिक एक कानून बनाया जिसमें प्रधानमंत्री होंगे और विपक्ष के नेता होंगे लोकसभा में विपक्ष के नेता, और एक और मंत्री होंगे जिनको प्रधानमंत्री मनोनीत करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक हिस्से का पालन तो हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दूसरा हिस्सा ये था कि इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति हो वो सरकार के इन्फ्लुएंस से बाहर हो। दूसरा हिस्सा जो है ये जजमेंट का पूरा नहीं हुआ इस कानून से। इसके लिए हमने इस कानून को PIL में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है कि ये कानून तो बन गया लेकिन इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा था कि वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए सरकार से, वो नहीं हुआ, इसलिए ये गैर कानूनी है। उस हमारी याचिका की सुनवाई अभी हो रही है। तो हमने जो आज नई याचिका डाली है उसमें ये कहा है कि जब तक उस याचिका की सुनवाई पूरी तरह से ना हो जाए वो तब तक जो नई नियुक्तियां हों वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो कमेटी बनी है उसके अंतर्गत होनी चाहिए। ये है वो फैसला, ये वो है याचिका। नहीं, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है वो संविधान के अंतर्गत नहीं है, वो असंवैधानिक है। इसमें तो कोई सुप्रीम कोर्ट के कहने में वो नहीं है, अगर वो चाहे तो।